क्या हुआ, आप अभी तक यहीं पर हैं? प्रमोशन नहीं हुआ सर? अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ हाँ, जरूर चाहेंगे भाई, जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मंच पे उपस्थित हमारे गृह मंत्री राजशेखर जी को और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं ये आप सब जानते हैं। हमारे बीच उपस्थित आदित्य शास्त्री जी को अभिनंदन करने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, इसलिए गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वो आए और स्वागत करें। आइए आइए। मैं अनुरोध करता हूं कि आदित्य शास्त्री जी यहां आए और दो शब्द कहें। मंच पर और सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा साष्टांग नमस्कार। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं कोई भगवान नहीं और ना ही देवतुल्य हूं, अवतार पुरुष तो बिल्कुल नहीं। मैं भी आप लोगों के जैसा एक सामान्य मनुष्य हूँ। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर लड़के या लड़की की कुंडली को देखकर ये बताना कि उनकी शादी होने के बाद वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जी पाएंगे या नहीं, ये मैं कुंडली देखकर ज्योतिष के आधार पर ही बताता हूँ। पाश्चात्य पद्धति के हिसाब से मैरिजेज आर मेड इन हेवन ऐसा कहते हैं, वैसा ही ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कि आपके होने वाले सारे रिश्ते आप कैसे निभाओगे ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र आज के नहीं है, रामायण और महाभारत में भी इनका उल्लेख है। ये उस काल से चली आ रही एक प्रचलित विद्या है। रामचंद्र जी की कुंडली स्वयं शिव ने लिखी थी, स्वयं परमात्मा ने लिखी थी, ऐसा रामायण में अंकित है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के रचयिता पाराशर मुनि, भृगु मुनि और नारद मुनि कहे जाते हैं। उन्होंने इस शास्त्र को बहुत वृहद रूप देकर हमारे सामने रखा, उसके आधार पर वंश की कुंडली का पूरा पता चलता है। इस ज्योतिष शास्त्र का हमारे विज्ञान शास्त्र से बहुत गहरा संबंध है। विज्ञान जिसे जीन्स बताता है वो बातें हमारे ज्योतिष शास्त्र में पहले से ही अंकित हैं। हम सभी अपने पूर्वजों का प्रतिबिंब है। मैं जब भी ज्योतिष शास्त्र के बारे में शास्त्री जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हाँ सर, सही कह रहे हैं। फेमस है, बहुत बहुत फेमस है सर। सब सही बताते हैं, एकदम शास्त्र ग्रहों के आधार पर काम करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे ज्योतिष शास्त्र की वजह से मैं समाज की सहायता कर पा रहा हूं और मुझे इसी बात की खुशी है। मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूं कि इस शास्त्र से मैं लोगों की सहायता कर। ये शास्त्री जी है ना, उनसे मिलना है मुझे। ओके सर, एक मीटिंग अरेंज करता हूं। ठीक है सर। आपको इस शास्त्र के बारे में बता के मुझे खुद भी गर्व महसूस होता है। सर्वशक्तिमान भगवान आप सभी को सुख और शांति दे। धन्यवाद। क्या हुआ? आगे वाली गाड़ी से किसी को धक्का लगा। ओह। ए, अकल नहीं है क्या तेरे पास? इसे उठाकर साइड फेंको।
क्या सर, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो मुझे ही नीचे गिराया और ऊपर से मुझे रुबाब दिखा रहे हो, ये कैसा न्याय है सर? ए, न्याय वाय की बात मत कर, चल निकल यहाँ से। कहाँ जाऊँ और क्यों जाऊँ मैं? मेरा जो नुकसान हुआ है उसे भर के दे दो। ए, क्या नुकसान हुआ है तेरा? वहाँ देखो। तो ये नुकसान हुआ है तेरा, इसकी भरपाई चाहिए। ए, चल जा। लेकिन मैं क्यों जाऊं सर? मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बोतल चाहिए बस। कैसी बातें कर रहा है ये? हैं? पुलिस वाले से ही पैसा मांग रहा है, कोई पागल लगता है। नाटक मत कर, गाड़ी में होम मिनिस्टर है। कोई भी हो उससे मुझे क्या सर? कौन है वो, इस तरह से बात कर रहा है? कोई बेवड़ा है सर, उसकी बोतल टूट गई है जिसके लिए पैसे मांग रहा है। आपको जो करना है करो, मैं नहीं जानता, मुझे मेरा हरजाना चाहिए वरना मैं इस गाड़ी को आगे जाने नहीं दूंगा। अरे देखिए माताजी, बहन जी, देखिए ये कैसा इंसाफ है, आप ही बताइए। इनके लिए एक कानून, हमारे लिए एक कानून, ऐसा होता है क्या? अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें पता लगा कि मैं अंदर हूँ तो सारी रामायण शुरू हो जाएगी। जल्दी जाकर उसे पैसे दे और क्लियर करो। ए इंस्पेक्टर सर, पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मंत्री जी मुझे डांट रहे हैं, जल्दी मैटर सॉल्व करो और हमें जाने दो। ओके ओके सर, तेरा टाइम अच्छा है, सबसे हम वसूली करते हैं, तू हमसे वसूली कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, पकड़। तुझे तो देख लूंगा। हाँ, इत्मीनान से देख लेना। हाँ। नमस्कार साहब। नमस्ते। आप मेरे घर तक आए, ये मेरे लिए सम्मान की बात है। कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी ये सब साधना और बाकी सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है। मेरे यहाँ आने का मुख्य कारण है, मेरी एक बेटी है, शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी ये लीजिए, ये रहा। ये उसकी कुंडली है। देखिए इस कुंडली के आधार पर आपकी बेटी की शादी उसकी मर्जी से ही होगी, वो जिसे पसंद करेगी उसके साथ ही शादी करेगी। ये क्या कह रहे हैं शास्त्री जी? वो मेरी बेटी है, जिससे चाहेगी उससे कैसे शादी कर लेगी? मेरी बेटी ऐसी नहीं है, कह रहे हैं अपनी मर्जी से शादी करेगी। मैं जो बताता हूँ वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं, आपका मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी। शास्त्री जी, आपको अपने शास्त्र पर भरोसा है और मुझे अपनी बेटी पर। मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से ही होगी, आपको भी शादी में बुलाऊंगा, आप आकर उसे आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। चलता हूँ। आ गया तू? ये बगाड़। क्या ये? बोतल है। ये क्या यार, दूध पीने की उम्र में अल्कोहल पी रहे हो? अरे तो उसमें क्या हुआ, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया है जो इस जन्म में तुम जैसे दोस्त मिल गए। कैसी बात कर रहा है यार तू? ना तो और क्या, अपने पास सिर्फ दो रूम है, एक तो भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोनों हो के दिन रात बस पीने की बात और कोई बात करते ही नहीं हो यार। टेंशन क्यों लेता है, तो भी 90 पे के सो जा, सब ठीक हो जाएगा। अबे तू पागल है क्या? तेरे भले की बात कर रहा हूँ, घूर क्यों रहा है ऐसे? मुझे कल सुबह एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम लोग भी अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करके सो जाओ। ए भाई तू तो अलग अलग ब्रांड लाया है। अरे हाँ बाबा, दोनों मिक्स करके पिएगा तो जल्दी टाइट हो जाएगा और नींद आ जाएगी, इसलिए लाया हूँ। भाई सच्चा दोस्त है तू, हम लोग इसके बिना मर रहे थे, जान बचा ली तूने हमारी, थैंक्स यार। ए तू थैंक्स बोल के थैंक्स वर्ड का अपमान मत कर। थैंक्स बोला तो इसमें अपमान क्या है? क्योंकि वो शब्द हमेशा दो अनजान लोगों को मिलाता है और तुम जैसे दोस्तों को ये बात शोभा नहीं देती, इसलिए वापस इसका यूज मत करना। ठीक है भाई, चीयर्स की भी आवाज नहीं आएगी, तू इंटरव्यू की तैयारी कर। अच्छे से तैयारी कर, इस बार जॉब मिलनी चाहिए। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। बाकी के दो लोग कहाँ हैं? वो दो दिनों से काम पर नहीं आ रहे। ऐसा है क्या? हाँ। ठीक है, मेरे लिए कॉफी लाइए। ठीक है। क्या हो गया? क्यों यार, आज बड़ा खुश है, काम मिल गया क्या? नहीं यार। क्यों भाई, जैसे काम मिलता है वो खुश हो जाता है, तू बिना काम के खुश हो रहा है, तुझे समझना मुश्किल है यार, तू भी कमाल है यार, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। देख भाई, लगता है ये काम मुझे देना भगवान को पसंद नहीं था, हो सकता है मेरे नसीब में कोई और अच्छा काम लिखा हो, इसलिए भगवान मुझे काम देने में इतना टाइम लगा रहा है। समझ गया ना? क्या बात कर रहा है तू? ये कैसे बता सकता है तू? क्या बात कही है बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात की तुमने। मेरा पोता भी अगर तुम्हारी तरह सोच रखता तो कितना अच्छा होता। क्यों दादाजी, क्या हुआ? मेरा पोता एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया तो उसने आत्महत्या कर ली बेटा। रो
रोइए मत दादाजी। क्या जमाना आ गया है, परीक्षा में फेल हुए तो, प्यार में धोखा मिला तो आत्महत्या कर लेते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। अपने बस में कुछ नहीं होता दादाजी, आप अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं अपने आप को मैं? जी ऐसे रोइए मत। पोस्टमैन चिरो। क्या है चिरो? हाँ। कोई लेटर आया तेरे लिए, देख जरा। अरे यार ये तो म्यूजिक टीचर के लिए बैंगलोर से इंटरव्यू लेटर आया है। अच्छा भाई देख लेना, ये काम तेरे सिवा और किसी को नहीं मिलेगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बैंगलोर जाना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? नई जगह है, मैं किसी को जानता नहीं, कहाँ रहना है कैसे रहना है यही तो समस्या है। अरे यार बेंगलुरु में त्रिमूर्ति नगर में आनंद नाम का मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसे फोन करके बोल दूंगा, क्या बोलता है? और नहीं तो क्या। हाँ? थैंक यू सो मच यार। क्यों ऐसी बात करता है भाई? बचपन में मैंने अपने माता पिता को खो दिया था, उसके बाद तुम्ही लोगों ने तो मेरी मदद की, तुम लोगों का एहसान मैं कैसे चुका हूँ? ज्यादा कुछ नहीं यार, एक फूल दिला दे, एक हाफ हो जाएगा। मुंह बंद कर, किस टाइम क्या बात करनी चाहिए तुझे पता नहीं है? सॉरी भाई। चिरू तू तैयार हो जा, मैं जाके ट्रेन का टिकट लेकर आता हूँ। तू टेंशन मत ले, मैं दिलवा दूंगा। Thank you. Your cap is very good. You want this? Take it. Thank you. Okay, bye. Bye. Good morning, sir. Good morning. Have a good day. Thank you. Ma'am, good morning. Good morning. Auntie, good morning. क्या हुआ? तुम रुक क्यों गए? दादाजी, कौन है वो लड़की? Good morning. Good morning, बेटा. Good morning. किसकी बात कर रहे हो? अरे वो अपने घर के सामने होम मिनिस्टर रहते हैं ना, उनकी बेटी है। अच्छा, पर वो घूम घूम के सबको फूल क्यों दे रही है? तुम खुद ही पूछ लो, चलो आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ एक्सक्यूज मी। यस। आप सबको जो फूल दे रही है इसकी वजह जान सकता हूँ? इन फूलों को सुबह तोड़ो तो शाम तक ये फूल मुरझा जाते हैं, पर तब तक ये मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन की उम्र होने के बावजूद ये फूल मुस्कुराता रहता है, और हमारी उम्र 50 साल की हो या फिर 100 साल की हो, हम बस आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? इन फूलों की तरह ही हर कोई हंसता मुस्कुराता रहे, इसलिए ये सबको बांट रही हूँ। आपका आइडिया तो अच्छा है, पर अनजान लोगों को फूल देने में आपको कोई हिचक नहीं होती? बॉर्डर पर रहने वाले सारे सैनिक हमें जानते हैं क्या? लेकिन हमारी खुशी की खातिर अपनी जान खतरे में डालते हैं ना? ये भी ऐसा ही है, अगर मेरे ऐसा करने से मैं 4 लोगों को भी खुशी दे पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये फीलिंग ही कुछ और होती है। आपका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जमाने में वो भी इस उम्र में आपकी तरह सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यू आर रियली ग्रेट। आई विल प्रे कि जैसा आपका दिल है वैसा ही आपको पति मिले। अब तक बॉयफ्रेंड की ही पोस्ट पर है, मेरा हस्बैंड नहीं बना है। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर आपको शौक क्यों लग गया? इतनी प्यारी लड़की का जिसने दिल चुराया होगा वो कैसा होगा, यही सोच के शौक लगा। अब तो उसे मिलना ही पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो तो चलते हैं ना। इसी वक्त दिल में आई विशेष उसी वक्त पूरी करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो लाइफ इज शॉर्ट, बिल्कुल इस फूल की तरह। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। वही एक मेरा प्लस पॉइंट है। चलो। चलो। सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हो? हाँ। महेश ने आपको यहाँ भेजा है ना? जी सर। अंदर आ जाओ। ये नया मेहमान कौन है भाई? अरे वही महेश ने बताया था ना। ओ भाई चिरू है ये, और ये सुरेश। हाय हाय, कैसे हो चिरू? मैं ठीक हूँ। महेश और कार्तिक कैसे? सब ठीक है। ओके, यही है अपना ताजमहल, तुम इसे हवा महल भी समझ सकते हो। वहाँ पे बाथरूम, ये बेडरूम और ये हॉल, और उस तरफ है किचन। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, प्लीज कम। हाँ दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ एक झाड़ दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। उसके ऊपर गणेश जी है ना? हाँ वो भी दिख रहे हैं। हम जिस भी काम से बाहर जाते हैं उस गणेश जी का दर्शन करके जाते हैं तो हमारा सारा काम सफल हो जाता है। तुम्हें भगवान पे भरोसा है ना? क्यों? मानते हो तो हाथ जोड़कर जाया करो, नहीं तो कोई बात नहीं, चॉइस इज योर्स। अच्छा इंटरव्यू कितने बजे है? 11 बजे है। 11 बजे, अभी 3 घंटे का टाइम है,
आराम से जा सकते हो, हम शाम को मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। ओके ओके, सी यू, बाय बाय बाय, सी यू, बाय। मैंने तो तुम्हें 11 बजे बुलाया था ना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मेरे एक नए फ्रेंड को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। फ्लावर फ्रेंड है क्या? आपको कैसे पता चला? इसकी फ्लावर फिलोसफी सुनकर मुझसे मिलने वाले तुम 10वें आदमी हो, समझे? ओह ग्रेट, वेल आई एम फ्रीनी, आई एम दिलीप, कम इन। थैंक यू, घर बहुत अच्छा है यार तुम्हारा। देखा, मेरी वजह से तुम्हारे भी फ्रेंड्स बन गए। थैंक यू वेरी मच, इट्स ओके, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। थैंक यू, वेरी नाइस पेयर। अच्छा, आप करते क्या हैं? आईएएस का एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली मेरा जर्मनी में बिजनेस है, यहाँ अपने दादा दादी से मिलने आया हूँ। दैट्स नाइस, एंड वन मोर थिंग, कल मेरी बर्थडे पार्टी है। वाओ, और तुम दोनों को जरूर आना होगा, यू गाइस आर स्पेशल गेस्ट फॉर मी। श्योर, डेफिनेटली विल बी देयर। डेफिनेटली, ऑलराइट, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हे कम ऑन, जूस, कॉफी, टी, समथिंग? माय ग्रैंडपा इज एक्चुअली वेटिंग फॉर मी। ऑलराइट, मिलते हैं, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो। श्योर, बाय। कॉफी, जूस, कॉफी। ओके।